दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री पद का संभाला कार्यभार। सीएम पद संभालते ही बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है, उनका इंतजार रहेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, कहा बाल यौन शोषण के वीडियो देखना और डाउनलोड करना अपराध है, अदालतें भी ना करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिजियम में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। सीएम योगी का आज मिर्जापुर दौरा, मां विंध्यवासिनी का करेंगे दर्शन, कई परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। मंदिर की देखभाल करने वाले ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने किया महाशांति होम का आयोजन, मंदिर के शुद्धिकरण के लिए किया गया महाशांति होम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभाल लिया है, वो आज सभी औपचारिकताएं पूरी करने ही। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक खाली कुर्सी भी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी में बैठ गई। आतिशी ने कहा उन्होंने एक खाली कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए छोड़ी है, मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चुनाव के बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बिठाएंगे, तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। अमेठी के सुल्तानपुर डकैती कांड के मामले में एक और अपराधी अनुज प्रताप सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद मृतक के घर के बाहर ग्रामीण पहुंच रहे हैं, साथ ही मृतक के पिता का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई है, मेरा पुत्र राजनीति का शिकार बन गया है, अभी तक मेरे बेटे पर सिर्फ एक मुकदमा दर्ज था, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जिसके ऊपर एक दो मामले हैं उसका एनकाउंटर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा ये सरकार है कुछ भी कर सकती है। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था, पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई, ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास एक दो केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। गाजियाबाद से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, यहाँ एक पीड़िता ने पुलिस में केस दर्ज कराते हुए बताया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि शादाब ने उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखा है और उसे अपना परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर थाना वेब सिटी पुलिस ने शादाब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें भी गठित की हैं, मैनुअल इनपुट के आधार पर शादाब को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 21/9/24 को थाना वेब सिटी पर वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त शादा पुत्र मुनिया निवासी कस्बा दासना के विरुद्ध शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीम गठित की गई और इन पुलिस टीमों द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर आज दिनांक 22/9/24 को अभियुक्त शादा को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ मुझे हिंदू से मुस्लिम बनाया और मेरा ओम जलाया, इन लोगों ने पांचों ने मेरे साथ बहुत ही करा, मेरी इज्जत से भी खेले। साथ आपने निकाह के झांसे में मुझे रख रखा अपने 6 महीने अपने घर में, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे साथ आपके साथ ही रहना है। क्या पूरा मामला है बताओ, कौन कौन लोग हैं, क्या पूरा मामला है? ये है आमिर, सारू को आमिर और वसीम और मुनिया। कहाँ के रहने वाले हैं ये? दासना किले के। तुम कहाँ रहती हो? मैं उस्मान कॉलोनी में रह रही। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है और एक अनियंत्रित कार ने दो मजदूर युवकों को रौंद दिया है। दोनों मजदूर युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। कार छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया और आपको बता दें कि दोनों युवक सड़क किनारे पैदल जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ। घटना बदलापुर थाना क्षेत्र के मिर्शादपुर NH 731 की बताई गई है।
नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही अवैध तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। 15 सितंबर को एक थाना सेक्टर 142 के अंतर्गत सेक्टर 137 मेट्रो के पास एक मर्डर घटना हुई थी। इसमें पहले दो कॉन्स्पिरेटर्स को पहले भी जेल भेजा जा चुका था, उसमें आज 3 अन्य मुख्य अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिसमें से नीरज जो कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड था उसको जेल भेजा गया है। और उसने 2 शूटर्स हायर किए थे जिनका नाम ब्रिजपाल और शूटर था और एक रामवीर। 10 साल पहले भी जब नीरज के द्वारा एक मर्डर को अंजाम दिया गया तो भी उसने इन शूटर को हायर किया हुआ था। और 2014 में मुकदमा थानेन्द्रपुरम में लिखा गया था। अब 2024 में इन शूटर्स को लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। इनके पास से अमरोहा में चोरी के शक में मनबुद्धि युवक को लोगों ने जमकर पीटा है। घर में चोरी करने के इरादे से घुसने पर युवक को लोगों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। युवक का बरेली में उपचार कराया जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने घटना के बाद मुकदमा दर्ज किया है। सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अवैध खनन करने वाले माफिया प्रशासनिक संरक्षण में खुलेआम खनन कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इसमें मौन हैं। इसी कड़ी में कोतवाली बिस्वा में माफिया नसीम के खिलाफ अवैध खनन का प्रकरण भी दर्ज किया गया। सूचना मिलने पर मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचने पर खनन माफिया ने पत्रकार को अगवा करके जान से मारने की धमकी भी दी है। गाजियाबाद की मसूरी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक जिला बदर बदमाश राशिद घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश पर तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल पुलिस से पूछताछ के दौरान आरोपी बदमाश ने बताया कि वो चोरी करके अपना खर्च निकालता है। जब पुलिस बरामदगी के लिए पहुंची तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गंग नहर पुल से पास बदमाश ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। आज दिनांक 22 सितंबर 2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक जिला बदर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ करने पर इसने अपना नाम राशिद उर्फ मुनीरा निवासी नाहल बताया। इसने बताया कि इस पर करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। उसने बताया कि वह थाना मसूरी से जिला बदर चल रहा है। इसने बताया कि यह एक चोरी से संबंधित माल बरामद करवा सकता है। इसकी बातों पर विश्वास करते हुए अब आपको गाजियाबाद का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की पोल खुल जाती है। वीडियो थाना वेब सिटी इलाके के लाल कुआं इलाके का है, जहां एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। 2 से 3 युवक महिला के बाल पकड़कर खींचते हैं और उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मामला डॉगी से गली में शौच करा देने का था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट करने वाले महिला के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। पीड़ित महिला ने मामले में शिकायत पुलिस से की है और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौवंश को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अयोध्या में टीएनपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि गौमाता को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा, बीजेपी को अपना एजेंडा साफ करना होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया है कि वो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनकी यात्रा का नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष ने विरोध किया है और कहा है कि अगर वो गाय की बात को लेकर नागालैंड आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें नागालैंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्वामी जी, अयोध्या में आज आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या में आए हैं भगवान राम जी को प्रणाम करके, उनसे शक्ति मांगने के लिए, ताकि हमको वो ताकत मिले कि हम हिंदू जनता को जगा सकें और गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा कर सकें। स्वामी जी, गौ को लेकर के तमाम बातें अभी आपने कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है, तो ऐसे में गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जिसको लेकर के आपके क्या अयोध्या के तमाम साधु संत आपने भी मुहिम छेड़ी है, इसको लेकर क्या? देखिए, सब साधु संत गाय के भक्त हैं और गौ माता के लिए उन्होंने सबने हमको समर्थन किया है। स्वामी जी, आखिरी सवाल, त्रिपति के लड्डू को लेकर के तमाम बातें आई हो, त्रिपति का लड्डू प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आया था। हाँ, तो ठीक है, अयोध्या आया था तो ये समझ के थोड़े आया था कि गड़बड़ करके भेज रहे हैं। श्रद्धा से उसको मंगाया गया था और श्रद्धा से उसको स्वीकार किया गया था। अब कोई हमारे साथ छल करता है, थोड़ा सा ये सब समझे रहो बेटा। तो
अयोध्या में श्रद्धा से लोगों ने मंगवाया था और श्रद्धा से उसको स्वीकार किया। जिसने छल किया उसको दोष लगेगा, उसको पाप लगेगा, उसका नाश हो जाएगा, देख लेना, पता चलने दीजिए, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा जिसने इतने लोगों की भावनाओं के साथ छल किया है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक चल? हमारी यात्रा अयोध्या से वृंदावन तक की है, बीच में भारत के सभी 36 प्रदेश हैं। जगत गुरु माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। मजीद के साथ अंकुर पांडे, टीएनपी न्यूज, अयोध्या। मेरठ में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगा ली है। घटना ब्रह्मपुरी थाना इलाके के शकुर नगर इलाके की है। परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जानकारी मिलते ही महिला के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। हमें तो अभी पता चला है 10:30-11 बजे के करीब फोन करके बताया तबीयत खराब है और यहाँ पर आ जाइए आप हॉस्पिटल में, लोंडिया को एडमिट कर रखा। हम यहाँ पर आए, हमें पता यहाँ पर आके पता चला कि इन्होंने लोंडिया के गले में निशान है, सीरियस हालत है, बहुत ज़्यादा ICU में देखा जाके हमने, तो उसके मुँह से झाग भी जा रहे हैं लोंडिया के और गले में निशान है, फांसी लगी हुई है लड़की को। क्या नाम आपकी बहन का? रूबीना। उसके पति का क्या नाम है? तारिक मुस्तफा। कहाँ शादी करी थी, कहाँ के लोग? शकुर नगर करी थी, 2018 में शादी। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक पीने आए युवक के ऊपर अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी है और बाइक सवार 4 बदमाशों ने फायरिंग कर युवक को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। ये मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शादाब की कैंटीन का बताया गया है। चौकी इसलिए आए थे सर कि हमारा बेटा घर से कैंटीन पर बोतल पीने के लिए आया था, तो वहाँ 3-4 लड़के आए गाड़ी पर, वो आके वे भी बोतल पी रहे होंगे, जरा सी कहा सुनी हुई और तो उन्होंने पहले तो उसे मारा और फिर हवा में फायरिंग करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए भागे। झांसी के नवाबाद पुलिस ने एक रीलबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवक एक साइकिल चला रहे बुजुर्ग के साथ भद्दी हरकत करता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है और जांच में जुटी हुई है। तो रीलबाज युवक को गिरफ्तार किया गया है और अब जांच भी की जा रही है, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये रील बनाने के लिए इस तरह की हरकत एक बुजुर्ग के साथ की। एक बुजुर्ग साइकिल में जा रहे थे, उनके ऊपर स्प्रे किया गया और इस वक्त एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, उसके बाद इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। झांसी के थाना क्षेत्र नवाबाद का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो स्वयं मोटरसाइकिल से चल रहा है, दूसरे व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो साइकिल से चल रहे हैं, उनके चेहरे पर स्नो स्प्रे डाल रहा है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए इसको चिन्हित करके इसको गिरफ्तार किया गया है, जो विनय यादव ग्राम खोड़न थाना सीपरी बाजार का रहने वाला है। इसके विरुद्ध इस घटना के संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे रीलवाजों से, सर क्या कहना चाहेंगे? जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, अपराध चरम सीमा पर है, पुलिस झूठे एनकाउंटर कर रही है और केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों के आशियानों को छीनती है। सड़क पर बेसहारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। सरकार केवल अमीरों को लाभ पहुँचाती है। हमारा सुभाष चरण बीच में नहीं है, उनकी पुण्यतिथि का आयोजन का कार्यक्रम रहा, फिर इसके बाद मेरा कार्यक्रम मंगेश यादव जिसको ये सरकार इनकाउंटर कर रही है, मैं उसको हत्या कर रहा हूँ। अभी उनके परिवार के लोगों के पास जाऊँगा। पिछले दिनों में हमारे वहीं आपको बताएं कि एक दर्दनाक हादसे में आसपास के लोगों के बीच में दहशत का माहौल बन चुका है। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के कैंट रोड की बताई जा रही है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट के मामले में मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
परिजनों ने प्रदर्शन में सहायता राशि को बढ़ाने और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत राशि को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं करने पर धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। सुबह से तो भूखे हैं और हमारे दो बच्चे चले गए, घर में काम सब कुछ टूट गए, भैंस बकरी जो आते उसे सफाई में दब गए, जो भी हमारा सामान था सारा दब गया और अब हम हमारे बच्चों भूखे रो रहे हैं। एक लड़की है वो भूखी है, हम भूखे हैं और बच्चे सब ही परेशान है। अब मेरे लाए तो कछु नहीं है, जो उन्हें चादरों बिछा के बैठ। कल आपको 4-4 लाख का मुआवजा दिया, क्या मुआवजे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? हम तो संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, हमने और पानी पिए तो काय से पिए, जब हम नाली को पानी आ रहा हो तो का पी ले, बताओ कहाँ जाए का करें। आप लोग शासन से कितने मुआवजे? बदायूं में भी सड़क पर आवारा जानवर आपस में ही भिड़ गए, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। घटना सहसवान ब्लॉक के नरैनी चौराहे की बताई जा रही है। इस दौरान सवारियों से भरा एक टेम्पो पलटने से बाल बाल बचा है। आवारा जानवरों की लड़ाई का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। आपको बता दें कि आवारा जानवरों की वजह से इलाके में लगातार हादसे की आशंका भी बनी रहती है। उन्नाव पुलिस और यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर डकैती में शामिल एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया, जहां बदमाश और उसके साथी से टीम की मुठभेड़ हुई है। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने डकैत को घेरा तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसमें अनुज गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बताएं कि इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। आगरा के इरादत नगर थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर खाना बना रही महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं 1.5 घंटे इंतजार के बाद भी घटनास्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से घायल महिला को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया है। फरुखाबाद में पारिवारिक कलेश के चलते सेक्टर भाजपा अध्यक्ष कमालगंज ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। परिजनों ने अध्यक्ष को गंभीर हालत में सीएससी लेकर इलाज के लिए पहुंचे हैं, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया है। 10:30 के बीच में जो है एक पेशेंट आया था, लड़का था, गौरव गुप्ता नाम से, कमालगंज से, उसने फांसी लगाई हुई थी, उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, उसको ट्रीटमेंट दे के ऑक्सीजन लगा के उसको जो है लोहिया जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया। मतलब इसको कौन लेके आया था? इसको परिजन लेके आए थे इसके, ये जो भाजपा नेता गौरव गुप्ता है, ये परिजन लेके आए थे। अच्छा, फिर इसके बाद लोहिया रेफर कर दिया? लोहिया रेफर कर दिया, क्योंकि कंडीशन उसकी क्रिटिकल क्रिटिकल थी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।